तो कक्षा नौवीं के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024 के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ से देखेंगे। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया। तो अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आपका विज्ञान का पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा का आपका जो विज्ञान का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें। कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये विज्ञान का पेपर रहा, जिसमें से इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा नौवीं की वार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सोल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर कुछ इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग इसको पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका ठोस आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। आवकार्ध स्थिरांक में परमाणु की संख्या, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखो ये की थी जे.जे. थॉमसन ने। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं त्वरण। तो देखो पांचवे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर होगा स्थितिक जड़त्व के कारण। तो देखो छठे का राइट आंसर यह आ जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा? देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 72 किलोग्राम। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन, तो देखो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का ये वाला। तो आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, तो इधर आपसे ये इस प्रकार से इंग्लिश में आपको दिए गए हैं, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से आप लोग इनको देख लेना है। अब इसके बाद में इधर पढ़ते हैं आगे, तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न नंबर दो को पढ़ लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस CO2 नाम से भी जाना जाता है, या शुष्क बर्फ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव कोलाइट विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होते हैं। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। किसी वस्तु का भार उसे जड़त्व की माप है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर तीन में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी के मिलान को यहाँ से देख लो आप सब लोग। अत्यधिक संपीड़िता इसकी जोड़ी गैस से मिल जाएगी, ब्रोमिन की जोड़ी अधातु से मिल जाएगी, कैल्शियम की जोड़ी आर्गन ये मिल जाएगी संवारिक से, लाइसोसोम की जोड़ी आत्मघाती थैली से, फ्लोएम की जोड़ी भोज्य पदार्थों का संवहन से, स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी शून्य से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर चार में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा दाब का मात्रक क्या है? तो देखो ये पास्कल होगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो देखो जोसेफ प्रोस्ट ने प्रस्तुत किया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो ये इसका राइट आंसर होगा। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो इनको कहते हैं पादप ऊतक। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो देखो आपका यह आ जाएगा। मसाले वाली दो फसलों के नाम, तो देखो धनिया और मिर्ची, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर पाँच में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब चलेगा जल्दी से हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो चलेगा जल्दी से हम इसके राइट आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसके उत्तर को पूरा यहाँ से आप लोग नोट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निक्षेपण किसे कहते हैं? इसके अथवा में आपसे पूछा गया, तो देखो निक्षेपण किसे कहते हैं, इसके आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आसवान विधि क्या है? प्रश्न नंबर छः में आपसे पूछा गया, तो देखो आसवान विधि क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके अथवा में आपसे पूछा गया मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो इस अंतर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सात, क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग आपको बताने, प्रश्न नंबर सात में। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में इसके अथवा में पूछा गया मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद में प्रश्न नंबर आठ, प्रोटोन के दो गुण लिखिए। प्रश्न नंबर आठ में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रोटोन के दो गुण यहाँ से देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको दिया गया है।
और उसके अथवा में आपसे पूछा गया समझदानी किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसके उत्तर को भी आप लोग देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमी आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो इसका राइट आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लो और पूरा इसको याद भी कर लो। आप 9 के बाद में देखिएगा इसके अथवा में पूछा गया संयोजकता किसे कहते हैं, तो इसके राइट आंसर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको हल भी कर लो। अब संयोजक तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, ऊतक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, ऊतक किसे कहते हैं। इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का अथवा वाला क्वेश्चन ये लिखा है, रक्त के दो कार्य लिखिए, तो इसको यहाँ से आप लोग याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया, फ्लोएम और जाइलम में कोई द्वंतर आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया, तो देखो फ्लोएम और जाइलम में अंतर यहाँ से देख लो आप सब लोग, क्यों लिखा गया फ्लोएम और जाइलम में अंतर। उसके बाद में देखो इसके अद्वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, विभाजोतक ऊतक किसे कहते हैं, तो देखो इसकी विशेषता यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, एक समान गति किसे कहते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक समान गति किसे कहते हैं, इसको यहाँ से देख लो आप सब लोग और उसके अद्वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसी प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उनके उत्तरों को नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, न्यूटन का गति संबंधित नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया, तो देखो 13 का उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 को अपन ने देख लिया। प्रश्न नंबर 13 का द्वारा किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है, तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, तो देखो 14 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देखो इनके राइट आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग और 14 के अद्वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 15 लिखा है, मुक्त पतन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया मुक्त पतन से क्या आशय है, तो देखो मुक्त पतन से क्या आशय है, इसका राइट आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 को पढ़ लें, वो वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर आपको बताने। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया, तो देखो 16 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को नोट कर लो पूरा का पूरा। अब 16 के बाद में देखिएगा 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इसके उत्तर को भी आप लोग देख लो पूरा। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को पढ़ लें, अंतः परद्रव्य जलनिका के कार्य आपको बताने प्रश्न नंबर 17 में, तो देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 17 को देख लो और इसके उत्तरों को भी नोट कर लो पूरा, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, जिसमें कि आपसे पूछा गया फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं, तो देखो इनके उत्तर ये लिखे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा इसको कंप्लीट भी कर लीजिएगा। अतः में आपसे पूछा गया खाद और उर्वरक की 3 अंतर आपको बताने हैं, तो इनके उत्तरों को भी आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तरों को भी देखते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया आपसे, निम्नलिखित के आपको सूत्र लिखने हैं, तो देखिएगा इनके सूत्रों को यहाँ से आप लोग देख लो। और उसके बाद में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बिंदु आपको लिखने हैं, देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बिंदु ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखिएगा इसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, तो देखो प्रश्न नंबर 21 जो आपसे पूछा गया उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो 21 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसके अतवाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसके उत्तर को भी देख लो पूरा और समझ भी लो यहाँ तक का। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, संपीड़न को विलयन क्या है, तो देखो प्रश्न नंबर 22 जो लिखा गया ना इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ तक का पूरा इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।